तो गाइस आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ एंड टेस्ट के लिए पास पेपर। काफी लोग इंसिस्ट कर रहे थे, पास पेपर डिस्कस करूंगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आज की वीडियो में कवर करूंगी। सो गाइस लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैर से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफी मुझे डीएम इंस्टाग्राम पर आ रहे थे, काफी कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज आप पास पेपर पर एक वीडियो बना दें, प्लीज आप थोड़ा सा डिस्कस कर दें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें किस में से पेपर आएगा। तो बार बार डीएम्स आने की वजह से मैंने सोचा चला यार एक वीडियो तो बना ही देते हैं। वैसे अगर जिसने मेरी बाकी वीडियोस देखी हुई है तो उनको तो ये एडिशन करना काफी इजी होगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और प्लीज वीडियो फुल देखा करें। आप लोग वीडियो फुल देखते हैं और फिर मुझे डीएम्स और कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं, फिर ये बता दें टेस्ट क्या मैं मेडिकल में हूँ, मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये सब आप तब पूछा करें जब आपने वीडियो देखी हो। आप वीडियो पूरे देखेंगे इतने क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब लास्ट वीडियो मैंने सारी क्लोज मेरिट लिस्ट आपको अच्छे से बताई हुई है। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे एंड टेस्ट के वाले से। तो कि कौन कौन सी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, मतलब किस किस से आ सकते हैं और हर सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। सो गाइस फिर हम टाइम्स के बगैर डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स, क्योंकि ये सब है जैसे मैथ्स में ये उन्होंने बताया था कि सिंपल क्वेश्चन आए थे, लाइक मैट्रिसेस सॉल्व करने थे, डिटरमिनेंट निकालना था और तीन आए थे, या पढ़ सकते हैं अच्छे से, स्क्रीन पर भी लेके आ सकते हैं। और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के सिंपल क्वेश्चन, स्लोप्स और इंटरसेप्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और फर्स्ट ईयर में से भी प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स वाले आए थे। और फिर नेक्स्ट कमेंट कि ज्यादातर इनको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सबने लिखा एस्टीमेटिक रेशियो क्वेश्चन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मैट्रिसेस ज्यादातर यही थे। और फिर सैंडविच थ्योरम रेशियोस निकालने वाले हैं। और फिर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि 10% इनकम देनी है तो फिर कितनी इनकम होगी, ये सब कुछ आप रीड कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट ईयर करती हूँ, ये भी मैथमेटिक्स के ही है जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से। तो गाइस इन सबको स्क्रीनशॉट लें, इन टॉपिक्स को आप यूट्यूब पर डालकर सर्च करें, देन आपको इसमें काफी हेल्प होगी। ज्यादातर इसमें मतलब क्वेश्चन इजी ही होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक रेशियो निकालनी है, एक मतलब एक पर्सन है वो वॉश करता है कास्ट 18 मिनट्स में, तो कितने मिनट्स में क्या करेगा, ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से मतलब समझ के करें तो कर सकते हैं। अब मैं आपसे इंग्लिश के डिस्कस करती हूँ, जो कि आप ये देख सकते हैं कि ज्यादातर इसमें सिनोनिम्स दिए हुए हैं और कॉम्प्रिहेंशन होती है और प्रपोजिशन होती है, ग्रामर होती है। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को ये जितने भी लिखे हुए हैं ये आप अच्छे से मतलब के वीडियोस देखें तो आप इनको कवर कर सकते हैं। इंग्लिश में जितना ही ताजा होता है वो बहुत कम एम सीक्यू जाते हैं। फिर आते हैं फिजिक्स के बारे, और फिजिक्स में भी यही है, काइनेटिक एनर्जी होती है और ये द बॉयज लॉ होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, पास्कल लॉ होता है और यूनिट्स होते हैं। ये आप अच्छे से देखें, इनके स्क्रीनशॉट लें, देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, मोमेंटम, डेंसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, हीट एनर्जी, एक्सेलरेशन, इनके फॉर्मूलाज और इनके यूनिट्स, ये अच्छे से तैयार कर लें तो आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत ही मतलब इजी होते हैं। सिर्फ आपने अब तक क्या करना है, जितने बता रही हूँ इनके स्क्रीनशॉट याद से रहेंगे। अभी ये केमिस्ट्री की आपको बताती हूँ मैं, इम्पोर्टेंट जो आए थे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे और मोस्टली ऑर्गेनिक पोर्शन था, ये तो किसी ने कहा हुआ है, वो ज्यादातर एमसीक्यूज बेस्ड थे। तो आपने हर वीडियो को मतलब के जहाँ भी कोई भी टेंशन के साथ इनको पोस्ट करना है और अच्छे से देखना है। तो बायोलॉजी में मतलब जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको बायो होती है ना, तो ये आर्जिनल क्लाइग्रेंस और जो भी है लिखा हुआ, खैर मैंने तो इंजीनियरिंग किया तो मुझे तो इसका खैर कोई घंटा आइडिया नहीं है। जो मतलब दे रहे हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको तो कंप्यूटर के भी आए हुए हैं, कंप्यूटर में से ज्यादा नहीं थे ये देखे, ये HTTPS मेमोरी स्टोरेज और डेटाबेस इसमें से आए थे। सो ये स्कैम जैसे दिखाने का मकसद ये है कि मैंने कलेक्ट तो कर लिए, तो आप लोगों ने बस ये करना है कि वीडियो पोस्ट करनी है और स्क्रीनशॉट लेना है और इन टॉपिक्स को अच्छे से आपने वीडियो इनकी वीडियोस देखनी है, इन पे एमसीक्यू सॉल्व करने है, इन पे अच्छे से रीड करना है। सो गाइस मेरा काम था आप तक प्रोवाइड करना, मैंने लोगों से पूछा है और खैर मैंने ज्यादातर इंस्टाग्राम से देखे थे ये, तो उनको मैंने अच्छे अच्छे मतलब सही फॉर्म में हर चीज पर उसकी मिस्टी अलहदा मैंने कर लिया, बायो की अलहदा कर लिए, मैंने इनको बैठ के अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया आप लोगों के लिए। बाकी आप इसको अच्छे से देखें और रीड करें, चाहे आप 2025 में दे रहे हैं, 26 में दे रहे हैं, कभी भी टेस्ट दे रहे हैं, टॉपिक सेम ही देंगे। सो गाइस बाकी वीडियो देखिएगा, क्लोज मैट्रिक्स मैंने बताई हुई है। तो अभी मुझे इजाजत दें और
अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।